الله تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. मेरे प्यारे बच्चों और प्यारे नौजवानों, उलामा, हमारे मुअज्जज़ शख्सियतें, मैं तो एक जाहिल सा आदमी हूं और आया हुआ था खंदरौली, आज जलसा है कहराने में, बीच का टाइम मैंने सोचा ये मदरसा हमारा कि मैं देख करके आऊंगा और वहां कुछ टाइम लगा करके आऊंगा। खुशकिस्मती से माशाल्लाह ये प्रोग्राम मिल बच्चों का मिल गया, और इससे पहले ये खुशी मैं सभी उलमा को बता रहा हूं, 4:30 बजे थे रात, मैं नमाज पढ़ रहा था, उसी वक्त मैंने आवाज सुनी बच्चों के पढ़ने की, 4:30 बजे, 6 दरसगाहें लगी हुई। इस कदर खुशी हुई कि मैं उसे कोई बयान नहीं कर सकता। उसके बाद में ये प्रोग्राम का पता लगा, फिर एक मौत का पता लगा, उनमें शरीक हो गए। इस कुरान के मुताल्लिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ताकीद की गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब कुरान नाजिल होता था तो आप उसे जल्दी 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 पढ़ते थे ताकि जिब्रील पढ़े और मैं भूल ना जाऊं, इसलिए जल्दी 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 कुरान को पढ़ते थे। तो कुरान में अल्लाह ने फरमाया वला ताजल बिल कुरान, कुरान को एहसास में जल्दी ना करो, इन्ना अलैना जमाहू व कुरान, कुरान को तुम्हारे दिलों में जमाना मेरा काम, कुरान को तरतीन से आराम से पढ़ो, इसमें जल्दी इसलिए ना करोगे मेरे पे सिमरेगा नहीं। इन्ना अलैना जमाहू व कुरान फैदा कराना हो फत्तबी कुरान, जब कुरान को पढ़ो तो अभी जो फरमा रहे थे हमारे मौलाना, जब कुरान को पढ़ो तो इसके ऊपर अमल करो, फत्तबी कुरान, ये कुरान का मतलब है। और यही हदीस में फरमाया अल्लाह के नबी ने कम मिन कारीन यकरउल कुरान वल कुरान यलानु, बहुत से कारी किरात करते हैं और कुरान उनके ऊपर बजाय रहमत के लानत करता। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, कुरान को बेहतरीन तरीके से सीखो और बेहतरीन तरीके से पढ़ो तो अल्लाह की रहमतें नाजिल होंगी। और इन इदारों की, अपने मदरसों की, अपने उस्तादों की कदर करो। जो उस्ताद की कदर करता है वो इस कदर कामयाब होता है कि दुनिया के तलबा कितनी मेहनत कर लें उसका मुकाबला नहीं कर सकते। अल्लाह के नबी ने फरमाया मन तवाज़ा लिल्लाह रफ़अहुल्लाह, जो अपने आप को छोटा बनावेगा अल्लाह उसे बड़ा बनावेगा, अल्लाह उसे इज्जत देंगे, और जो अपने उस्तादों के साथ में अकड़ के बात करेगा या उनकी बात को इत्मीनान के साथ में सुन करके उसके ऊपर अमल नहीं करेगा वो बच्चा या उसके बाप कभी कामयाब नहीं हो सकता। और बहुत से बच्चों के माँ बाप, बाप तो यहां होंगे, वो सुन ले कान खोल करके, उस्तादों की, अपने बच्चों के उस्तादों की कदर इस कदर करो कि उन्हें, चाहे तुम्हारी उम्र बड़ी है लेकिन उन्हें बड़ा मान करके चलो, उनकी खिदमत करके चलो। मैं पहले भी सुना चुका, आज भी सुना रहा हूं, मैं हिफ्ज कर रहा था गांव में, सबक याद में कमी आ गई, हाफिज साहब गांव ही के रहने वाले थे, बहुत नेक आदमी थे, उन्होंने मेरी पिटाई कर दी, डंडा बजाया, जब मेरे ऊपर डंडा बजा तो मैं चीख मार मार के रोया। तो मेरा घर है मस्जिद से बिल्कुल मिलता हुआ, मेरी मां ने आवाज सुन ली, मां दरवाजे से ऐसे झांक करके देख कर गई
कि हाँ डंडा बज रहा मेरे बच्चे पे, तो अल्लाह उस माँ की कब्र को नूर से भर दे, एक डब्बा दूध का भर के हाफिज साहब के पास भेजा जहां वो बच्चों को पढ़ा रहे थे। हाफिज साहब फौरन उठ करके गए घर में, चची चची ये जी के दूध तो भेज दो थी कभी सुबह को कभी शाम को एक आध गिलास, लेकिन आज ये डब्बा भर के और 10 बजे ये क्या मतलब। तो हाफिज साहब कहते हैं, वालदा कहती है मेरी, हाफिज साहब आपको मेरे बच्चे से प्यार है, उस प्यार का कुछ बदला दे दू, इसलिए मैं ये दूध भेजा। क्या मैं कैसा प्यार देखा नहीं, मैं डंडे बजा रहा था कि वही तो प्यार था। अगर आपको प्यार ना होता तो आप ये कहते दबे हो, चल कल को और बिगड़ करके आता और ये कल को सुधर करके आ। और खुदा की कसम दो आदमियों ने मेरे गांव में इसी पिटाई के ऊपर हाफिज साहब की तोहीन की, दोनों बच्चे महरूम हुए और माँ बाप भी बदनसीब बने। तो उस्तादों की खिदमत बच्चों खुद भी करो और उस्तादों की खिदमत माँ बाप भी करें, उन्हें अपने बड़े अपने घर के मालिक माने और मदरसे को अपना दिल का जिगर गोशा बनावे, तो इंशाअल्लाह उनके बच्चे बाला बाला ऊंचे ऊंचे हासिल करेंगे। और बच्चे कभी अपने उस्तादों के हुक्म को ना तोड़ें, जो हुक्म उस्ताद कर दें वो ही उसी के ऊपर अमल करें। मैंने एक चीज और अर्ज करनी है कि हर घर में माँ पढ़ी हुई दीनदार होनी चाहिए। आज लोग अपने बच्चे के लिए तलाश करते हैं शादी में वो लड़की के जो कार दे, जो मोटरसाइकिल दे, जो और सामान दे, ये नहीं तलाश करते कि जो बच्ची मेरे घर में आवेगी वो नेक बीवी है या नहीं। खुदा की कसम याद रखो, अगर किसी घर में नेक बच्ची आई और कुछ नहीं लाई वो घर जन्नत में जाता, और अगर घर भर दिया और लड़की बद अखलाक बदतीन है तो वो घर दोज़ख बन जाएगा। सबसे पहला मैं मदरसा माँ की गोद है। कितने वाक्यात मैं आपके सामने सुनाऊं, एक उनका बादशाह का वाक्या है, उनके फौज में ऑफिसर था एक, मेरे नाम जहन से निकल गया, उस ऑफिसर को बादशाह ने कि जाओ फला मुल्क को के ऊपर हमला करके उस पर कब्जा करो, तो वो गए वहां जंग की, पूरे तरीके से कामयाब हो गए, लेकिन किसी ने आके बादशाह कह दिया कि सरकार वो तो भाग गया, तो आपका जो फौजी है सरकार वो तो भाग गया, और उसके भागने से उसकी फौज भाग गई। तो बादशाह गया उसकी मां के पास, उस ऑफिसर के बहुत ऊंचे बुजुर्ग हैं, मेरे नाम जहन में नहीं आ रहा है, और जाके कहा बीवी हाय हाय हाय, तेरे लड़के को मैंने पूरी फौज का मालिक बनाया और उसने मेरे मुल्क को बर्बाद कर दिया, वो भाग गया, मेरे फौजी भाग गए। तो माँ कहती है बादशाह सलामत, बेफिक्र रहो ऐसा हो ही नहीं सकता, हो चुका मेरे पास कोई इत्तला कि बिल्कुल नहीं हो सकता, अगली मेरे पास इत्तला आई तो बिल्कुल गलत इत्तला आई। चुनाते चंद ही दिन में खबर आई, क्योंकि उस वक्त ये जने तो ये फोन वोन तो थे नहीं, के वो जू का तू ऑफिसर जंग की और मुल्क को फतेह करके हुकूमत किए बैठा बादशाह को बुलाने के लिए। तो बादशाह जाता है माँ के पास के बीवी ये बता, वाक्यतन तू जो कह रही थी कि तू झूठ बोल रहा, मैं झूठा था और तू सच्ची थी, लेकिन तूने देखा नहीं था, तू इतने सख्ती से कैसे कहेगी कैसा हो ही नहीं सकता। तो उसने कहा बादशाह जब ये मेरे पेट में था
तो यहां झुक झुक के कलमे पढ़ती है, और जब पैदा हुआ है बगैर वजू के कभी इसे पानी न अपने छाती का दूध नहीं दिया, और जब इसके जरा सी होश आई तो दीन की बातें बताई। इसलिए मेरे मोहतरम, नेक बच्चियां तलाश करो, कारों के पीछे और मोटरसाइकिलों के पीछे ना पड़ो। ऐसे ही लड़कियों वाले भी ऐसे लड़के तलाश करें जो दीनदार हों, इंशाल्लाह बेड़े पार होंगे। और मेरी गुजारिश सारे उलमा से, यहाँ बहुत काफी उलमा है, सबको कहता हूँ कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन राइयतिही, आप सब के सब जिम्मेदार हैं, और हर जिम्मेदार से कयामत के दिन सवाल होगा। आज मौलवी बदनाम करने लगे थे उलमा को, इल्मे दीन को, शादियों में कारें जा रहे पचास पचास, एक आलिम ऊंचा आलिम और तबलीग में काम करने वाला नहीं तबलीग का जिम्मेदार, और पचास कारें शादी में जा रही है, डूब ना मरे हम, अल्लाह के लाडले कैसे शादियां कर रहे और हम शादियां कैसे कर रहे। याद रखे उलमा, अल्लाह ताला हमारे तुम्हारे इल्म को और मजीद बढ़ावे, जिस शादी में खुराफात हो उसमें निकाह ना पढ़ो, उसमें शामिल होकर के खाने ना खाओ, उसमें शामिल होकर के उन्हें उनकी शान ना बढ़ाओ। जब तुम इस तरीके से पीछे हटोगे तो यकीनी तरीके से वहां उन्हें होश आवेगा। मैं एक ही बात कह करके अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। यमुनानगर जिले में एक बहुत बड़ा रईस करोड़पति आदमी, उसके यहाँ हकीका वो क्या वलीमा उसके लड़के का, सैकड़ों उलमा को उसने दावत दी, अजी वलीमा है वलीमा है। अब वलीमा सुन्नत है, उसमें कोई हर्ज नहीं, उसके खाने में कोई हर्ज नहीं। बहुत 30-40 उलमाओं में पहुंचा तो सड़क पे खड़े, मैंने कहा क्या बात है, ये तेरा इंतजार कर रहे थे। मैं किस बात में, देख कर लो। मैंने कहा क्या बताओ, अब जो ऊपर को निगाह उठाओ, मैं जब उठाई तो सामने देखकर रंडिया ना थी, और इधर हिंदू और मुसलमान खड़े हुए खाना खा रहे, और इधर सरसान बिछवा रखा कि हाँ उलमा खाना खाने, तीन काम हो रहे, इधर खड़े होकर के खाना हो रहा, उसमें गैर मुस्लिम और मुस्लिम खड़े सब, और बीच में रंडिया ना चली, और इधर उलमा के लिए दस्तरखान बिछा रखा। मैंने कहा फिर तुम खड़े क्यों हो ऐसे, ऐसे शैतान के यहाँ आना और उसके यहाँ जाना ये जायज है? अजी पता तो नहीं था वहां। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, इसमें तो मैं भी हूँ आप भी हैं, लेकिन अभी निकलो यहाँ से, यहाँ एक मिनट खड़ा नहीं होना, सारे के सारे उलट गए, इतने में भाग कर आया हो। अजी मन साहब, अजी मन साहब, अजी मन साहब, मैंने तो आप लोगों के लिए बेहतरीन दस्तरखान, बेहतरीन खाने का इंतजाम अलग कर रखा, उसमें कोई कबाल नहीं। मैंने कहा शैतान के दादा, कल को सारे तुम ही शैतान यूं करोगे तो वहां कश्यपुर में मौलवी रंडियों के नाचने में खाने खाने, कल को हमें तुम बदनाम करोगे, और ईमान बदनाम होगा, इस्लाम बदनाम होगा, तेरे करोड़पति से हमें कोई फायदा नहीं, हम कतान एक लुकमा भी देखना भी नहीं चाहते, तेरी तरफ भी देखना नहीं चाहते। माशाल्लाह सारे के सारे उलमा चले गए। खुदा की कसम एक हफ्ता तमाम उलमा के घरों पे जा जा करके माफिया मांग लिया कि कभी ऐसा नहीं करना, और अगर हम शरीक हो जाते तो कोई रुकेगा, कोई इरादा करेगा रुकेगा। इसलिए मेरी आप हजरात से मातबाना गुजारिश है कि उलमा की जमात, अमीर तबलीगी जमात के लोग, अइम्मा हजरात तहिया कर लें कि जहां बुराई होगी वहां हम शरीक नहीं होंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस सुना करके खत्म कर रहा हूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन रावन करम फलिगयिर बियदी औ बिलिसानी औ बिकल्बी वज़ालिका ज़ाफ़ुल ईमान, अगर बुराई देखो अगर तुम्हारे घर में है रोको सख्ती के साथ डंडे से, और अगर घर में नहीं बाहर है तो जबान से समझाने की पूरी कोशिश करो अखलाक के साथ, और अगर वो मान जाए तो बेहतर है, नहीं मानते
तो तीसरा फरमाया दिल से बुरा समझो। और दिल से बुरा समझने का क्या मतलब है कि ये कह दो मेरा तेरा कोई ताल्लुक नहीं, उसके पास बैठना उठना, उसके ब्याह शादियों में शरीक होना, उसके गमियों में शरीक होना बिल्कुल खत्म कर दो। उसका इंशाअल्लाह माहौल पर असर पड़ेगा। हम आज शिकवा करते हैं ऐसी हुकूमत बन गई, ऐसी हुकूमत बन गई, हरगिज नहीं। हमने सुन्नतों का मजाक उड़ा लिया, दाढ़ियां हम कटवा रहे और बदतमीजियां हम कर रहे, नशा हम कर रहे। बहुत खुशी की बात मुझे हुई, मैं पहले आया था, कमेटी बनाई थी गढ़ी भैसक में, माशाल्लाह गढ़ी भैसक ने भी उस पर कंट्रोल कर लिया, जलालपुर ने भी कंट्रोल कर लिया, और अब इंशाल्लाह मुफ्तरी के साथ में रात हमने बात की है राणा मदरा मौलाना आरिफ साहब के साथ में। उम्मीद अल्लाह की दात से है कि वहां भी मुकम्मल काम होगा। तो आपने फरमाया कि रोको जबान से समझा करके, अगर नहीं रुकते व्यक्ति से काम करो कि दिल से बुरा समझो कि मैं चाहे देखता ही क्यों ना हो, अगर नहीं रुक राजा भाग मेरा तेरा कोई ताल्लुक नहीं। अल्लाह के नबी ने हमें यही तालीम दी है। अल्लाह के नबी ने अपने प्यारे जो दीनदार थे वही प्यारे बनाए, अपना चाचा खास जिसने इंतहा से ज्यादा खिदमत की थी अबू तालिब, जब अखीर वक्त आया उसका आपने फरमाया है चाचा मेरे कान में ही कम से कम कलमा पढ़ दे। कलमा पढ़ने के करीब हुआ इतने में जालिम अबू जहल आ गया। उसने कहा अबू जहल मैं आया हूँ। अबू जहल अबू तालिब सुन ले, एक भतीजे की बात को मान करके तमाम अपने बड़ों की रस्म को खत्म करेगा, दुनिया में रुसवा जलील होगा। तो अबू तालिब ने इनकार कर दिया, मैं तर्जमा नहीं करूंगा।